हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सकवी एंड आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको व्हाट्सएप पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्हाट्सएप जो है वो आपको ब्लॉक कर देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप में एक नया नियम लागू हो गया है। सॉरी, यह वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप एक नया नियम रूल लागू कर दिया है, अगर आप ये एक्टिवेट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये सब करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा एंड आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते हैं अगर आप ये सब एक्टिवेट करेंगे व्हाट्सएप पे, जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले जो रूल है वो यह है कि आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर से आपको छेड़खानी नहीं करना है। लाइक ये उन लोगों के लिए है जो जिसको कोडिंग आती है, जिनको एप्लीकेशन को बनाना आता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, उनके लिए यह न्यूज़ है। वो यह है कि आपको गलत उसके कोड से छेड़खानी नहीं करना है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोडर होते हैं जो उसमें जो कोडिंग किया रहता है उससे छेड़खानी करने लगते हैं। अगर वहाँ पे ये कोड दिया गया है तो उसके जगह रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर, मतलब उससे खेलते रहते हैं। तो वो आपके लिए है, अगर आप व्हाट्सएप में उसके एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर है, अगर उससे आप उसके कोडिंग से अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आप 3 महीने तक या उससे भी ज़्यादा आप जेल जा सकते हैं एंड आपसे कुछ पैसे भी लिए जा सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को छेड़खानी मत कीजिए उसके कोड से। एंड उसके बाद जो दूसरा रूल है व्हाट्सएप का, वो यह है कि आपको व्हाट्सएप पे वायरस नहीं फैलाना है। होता क्या है कि अगर व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज अगर हमें वायरल करना हो, बस हम लोग ऐसे टाइप करते हो, उसके बाद बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे वो वायरल हो जाता, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे वायरस आते हैं, जिससे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन हैंग करने लगेगा और स्पाईवेयर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करा दिए जाते हैं ताकि आप क्या क्या कर रहे हैं ये लोग पता लगा सके। तो ये सब आपके स्मार्टफोन में कर दिया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी वायरस वाला मैसेज आपके पास आता है जिस पर क्लिक करने से आपका स्मार्टफोन हैंग करने लगता है या फिर आपका स्मार्टफोन में कोई भी गलत प्रकार की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगती है, तो आपको उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। एंड तीसरा रूल है वो यह है कि व्हाट्सएप बहुत लोग QR कोड के जरिए उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि व्हाट्सएप को इतना आसान नहीं है करना, बट बहुत लोग अपनी दिमाग दौड़ाते हैं और कहते हैं मैं व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर सकता हूँ, बट इतना ईजी नहीं है। तो व्हाट्सएप किसी के भी व्हाट्सएप अकाउंट को हैक नहीं करना चाहिए। अगर आप जानते हैं कैसे किया जाता है तो आपको किसी के भी व्हाट्सएप अकाउंट को आपको नहीं हैक करना चाहिए। तो ये सब व्हाट्सएप के रूल हैं। एंड उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे कोई भी किसी को गलत मतलब गाली वगैरह नहीं देना चाहिए, नहीं तो अब व्हाट्सएप जो है आपके मैसेज को देखेंगे कि आप लोग व्हाट्सएप पे करते क्या हैं, आप अपने फ्रेंड से कौन सी चैट पे बात करते हैं, ये सब व्हाट्सएप निगरानी कर रही है। तो आप इन बात को ज़रूर ध्यान रखिए और व्हाट्सएप पे ये सब काम मत कीजिए। किसी को गलत फोटो मत भेजिए और धार्मिक चीज़ों के ऊपर बात मत कीजिए, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो होता है धार्मिक चीज़ें ज़्यादा बात किए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह ये सब यहाँ पे आपको धार्मिक चीज़ें नहीं बात करनी है, लाइक आप समझ रहे हैं। सो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हम लोग को बात करने के लिए कि हमारा फ्रेंड कहाँ है, वो क्या कर रहा है, हम लोग उससे कम्युनिकेशन आसानी कर सकते हैं। बट इसमें ये क्या है कि अपने फ्रेंड को गाली दे व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं लगता ये सब काम करना चाहिए व्हाट्सएप पे। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा एंड व्हाट्सएप आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, जो हमने आपको बताया। व्हाट्सएप अकाउंट के कोडिंग से छेड़खानी आपको नहीं करना है, गलत मैसेज आपको नहीं भेजना है और उसके बाद तो किसी को गाली नहीं देना है व्हाट्सएप पे, उसके प्रोफाइल उसके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक नहीं करना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आप जेल भी जा सकते हैं। सो आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए बाय। क्या कायो काजल मन करे से गोरी घायल, तेरी आख्या कायो।